और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां मुंबई टेस्ट में भारतीय टीम की खराब शुरुआत हुई और टीम इंडिया के 5 विकेट गिर गए। तमाम बड़े नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल सभी आउट हो चुके हैं। यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान भी पवेलियन लौट चुके हैं। और आपको बता दें कि भारत को जीत के लिए 147 रनों का लक्ष्य मिला था। इस वक्त भारत को 95 रन चाहिए और 52 रन के स्कोर पर 5 विकेट जो है वो गिर चुके हैं। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये लग ही नहीं रहा कि टीम इंडिया बैटिंग कर रही है। इससे ज्यादा देर तो गली क्रिकेट में जो बच्चे हैं वो क्रीज पर टिक कर खेल लेते हैं। हुआ क्या है इस टीम इंडिया को इस पूरे सीरीज में, ये बड़ा सवाल है। और बनाइए आप रैंक टर्नर, आप पिछले मैच में आप इसी टर्नर की पिचों पे के शिकार हुए थे, फिर आपने वही डिमांड की सिर्फ इसलिए कि आपको साउदी को ना खेलना पड़े, हेनरी को ना खेलना पड़े, विलियम राउरके को ना खेलना पड़े, इसलिए आपने स्पिन फ्रेंडली पिच की दोबारा से मांग की। और उसका हश्र क्या हुआ वो आपके सामने है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन को बेहतर तरीके से खेले और हम उस तरीके से नहीं खेल पाए। हालांकि पहली पारी में कुछ अच्छी बल्लेबाजी भारत की तरफ से देखने को मिली थी जिससे भारत को बढ़त भी हासिल हुई, लेकिन दूसरी पारी में जिस तरह से धराशायी हुई है भारतीय बल्लेबाजी, या ये कहिए कि ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि अपनी होम कंडीशन में हम स्पिन को खेलना ही भूल गए। जी मनोज जी, सवाल ये है कि जब आप T20 क्रिकेट पर इतना ज्यादा जोर देंगे कि टेस्ट क्रिकेट में आप प्रैक्टिस, उससे पहले ऐसे मैचेस जिसमें बल्लेबाजों को समय मिले खुद को फॉर्म में लाने का, वो होगा ही नहीं, तो फिर तो बैटिंग इसी तरीके से नजर आएगी। जी हाँ, हड़बड़ाहट जो है वो भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है, क्योंकि अगर आप खराब शॉट देखिए, T20 आपकी बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन फुल टॉस गेंद पर अगर आप सरफराज खान जो कि एक रिकॉग्नाइज बल्लेबाज हैं वो अपना विकेट खोते हैं, उस पर स्वीप शॉट खेलने जाते हैं। मैंने तो देखा है कि स्वीप और रिवर्स स्वीप जो है, हम लोग कुछ एक आकर्षक शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन स्वीप और रिवर्स स्वीप के जरिए हम लोग अपनी पारी को बहुत आगे तक ले जाते हुए मैंने तो कम से कम भारतीय क्रिकेट में कभी नहीं देखा। अगर आप जो रूट को देखेंगे इंग्लैंड के, वो इन्हीं स्वीप शॉट के दम पर डबल सेंचुरी तक बना लेते हैं, लेकिन हम जो है 30-40-50 रन से आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ तो 50 रन भी बहुत है अगर, क्योंकि 147 का लक्ष्य है, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बननी बहुत जरूरी थी। अब हम पूरी तरह निर्भर हो गए हैं ऋषभ पंत पर, मैच अभी हाथ से निकला नहीं है, लेकिन बहुत संकट की स्थिति में दारोमदार ऋषभ पंत पर है। और रविंद्र जडेजा पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सीधे